میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک سال تک یا بلکہ ایک سال سے کچھ پہلے تک میری بیوی میری بیوی تھی جس دن علی پیدا ہوا اس دن وہ ماں بن گئی میں آج تک اپنی بیوی تلاش کر رہا ہوں میرے پانی بچے ہوئے نے مینوں بُڈڈی نہیں لبھی میری دوبارہ یہ میرے بارے وچ بھی داس دو میں تو بڑی تجسس پیدا ہو گیا تسی بندا دیکھ کے دس دندے ہو کہ غصے والے اون لائن اونے نہ پوچھو تے بہتر ہے میں کہتا دس دیو جان دیو جے جے گل مار دی ہوئی کٹ دیاں ਇਸ ਕੀ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡੂਸਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੀਸੇ ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣੇ ਸੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾਗਨ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ 3 ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਹੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲਿਖਾਤਾ हमारी यहाँ बड़ी जो मुनाफकत है वो ये है कि मैं आपको कट करवा दूंगा इसको रोल करवा दूंगा खुद नहीं करूंगा लेकिन उसमें उस मुनाफिक ने वो रोल खुद कर रखा था कन्दी तेन पता कराची चला गया <laughs> 70 प्लस मेरी माँ ने जब ये कहा तो मुझे एक लम्बे से पहले पता लग गया ड्रामा इट्टे मैं बुरे को ढूंढना निकला बुरा मिला ना कोई जब मैं जाका आपने अंदर मुझसे बुरा ना सर तो पेड़ा तो मैं खुश रहना है तो जो खुश रहना है ना फिर कंप्लेन नहीं करनी सपे नहीं करनी नहीं, सोचे। नहीं गल नहीं है मेरे पुत्री सिंह पता मैंने अपनी कोहरा लठा मैंने ठीक करने गया था हम सब चाहते है हमारा बच्चा बड़ा शेर दलेर हो बुढ़ी अच्छी कुट के रखी होंगी घोर के रखी होंगी मुझे बताया करती है बकरी <laughs> कमाली कोटो हुए दिट हुए तीन साल हो गए एक ऑफर नहीं आई वीजा कम करना है असलावर्स आज की पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत आप सबके फेवरेट आपके दिलों पर राज करने वाले आ, वो करैक्टर जो करैक्टर आपने बड़ा पसंद किया कमाली तहार इफ़ी साहब हर दिल अजीज आज हमारी पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत है असल वालेकुम अस्सलाम इफ्तार साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना पॉजिटिव और इतना काइंड रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे आपसे आसिम मैं सिर्फ आप नहीं आप तो खैर बड़े आला दर्जे के आदमी हैं और मैं उन लोगों में से हूँ जो आपके कंटेंट को पसंद करते हैं उसकी वजह जो मुसबत आपका कंटेंट होता है और हमेशा पाकिस्तान का कोशिश करते हैं कि वो सॉफ्ट चेहरा सामने लेकर आए अलहदुल्ला तो मुझे तो मैं आपको की बात बताता हूँ मुझे कोई भी जब करते हैं इंटरव्यू करें कहना आ जा तो मैंने कभी किसी जरा ये पूछा तेरे सब्सक्राइबर कितने हैं फॉलोअर्स कितने हैं तो कई दफ़ा ये भी हुआ है कि कोई हिसाब आए और इंटरव्यू करके चले गए तो मुझे मेरे बेटे ने लिंक भेजा उन्होंने कहा बाबा मुबारक हो ये जो आपने इंटरव्यू दिया इसका एक है तो आप तो खैर आपने मुझे बुलाया बल्कि मेरे लिए बाईस से इज्जत है बहुत शुक्रिया आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है लेकिन जो शहरत मिली वो परिजात वाले कमाली किरदार से तो ये कमाली जो है ये किरदार का कमाल है या आप उसमें ढालते गए थे खुद कितने उस किरदार से आसिफ दरअसल कमाली को खत्म करने की अगर बात करूं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि खैर हर सूरत में तो बात तो यही है कि इट इज ऑल ग्रेट ब्लैसिंग ऑफ गॉड जी मेरे रब का हुक्म ना हो तो कुछ हो नहीं सकता बिल्कुल और मुझ जैसे लोग यहां तक मैं पहुंच गया जिंदगी में जहां भी पहुंचा ये सिर्फ मेरे मालिक का करण के अलावा और कुछ नहीं मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कुरेदें इस बात को तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पेंडेमिक से पहले कास्ट किया गया था खुदा और मोहब्बत पार्ट थ्री था या फोर था जो भी था उसमें और एक साहब थे उन्होंने उनका वो दोस्त था डायरेक्टर पैसे तय हो गए सारे मामला हो गए ये वो वक्त चल रहा था जब नागन लिखे हुए तीन साल हो चुके थे नागन बन रहा था और चल रहा था लेकिन मैं दे चुका था और तीन साल से मैं फार था क्योंकि मेरा घर चलता है लिखने से एक्टिंग से नहीं चलता हाँ हाँ तो एक्टिंग तो खैर मुझे मिली भी बड़ी कम है और मैंने की भी बहुत कम है तो बुनियादी तौर पर मैं लिखता हूँ तो नागन भी चल चुका था पैसों के मामल भी बड़े अजीब थे तो मैंने किया ये था कि नागन जब मैंने लिखा तो मैंने तीन प्लाट ले लिए थे आशा हाँ क्योंकि वो एक करोड़ ग्यारह लाख में मैंने लिखा था माशा तो ये वो वक्त था कि मैं अब जवाब पूंजी भी खा गया ढाई साल हो गए थे तीन साल का काम नहीं था तो उन्नीस के दिसंबर के अंदर मुझे ये मिला खुदा और मोहब्बत लेकिन उसके बाद वो एक साहब थे तो उनको बड़ी जल्दी थी उन्होंने कट कुट करा दिया मुझे मैं कह चलो कोई बात नहीं मुझे समझ आ गई थी किसने कट करवाया है डायरेक्टर उनका यार था वो बात ख़त्म हो गई उसके बाद ट्वेंटी ट्वेंटी में पैंडमिक आया तो वैसे ही सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई तो सारे वेले थे हम सब चौबीस के लोग अपनी बचतें खा रहे थे बल्कि पूरा पाकिस्तान बचतें खा रहा था उसके बाद मुझे कॉल आती है रकश बस्मिल के लिए इक्कीस में रकश बिस्मिल जब हो रहा था ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर मैं बीमार हुआ अक्टूबर के अंदर मैं जा रहा था या नवंबर में जा रहा था और करने के लिए रकस बिस्मिल कराची सात कबा जा के खराब हो गई वापस आ गया छोड़ना पड़ा अब मजे की बात है शोबिस के जो लोग थे वो जो कहते थे वो यार रक्ष बिस्मिल और ये खुदा और मोहब्बत यकफी साहब अगर ये मिल जाते ना आया है तो आपको पता ही नहीं क्या बुलंदी और क्या फन की बुलंदी और क्या शोहरत तो मैं ऐसा था हमेशा कहता था कि यार ये मेरा नहीं था बात खत्म हो गई मैं गया ए, मैं और अली गए तुर्की तुर्की से वापस आया तो मैं कुछ लिख रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल आती है उसने मुझे कहा जी इफ्तार साहब के एक ड्रामा है परिजात बन रहा है वो मार्च में तो मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है मैं तो सॉरी कर लिया सितंबर में फिर कॉल आ गई अब ये वो वक्त है कि परिजात चल रहा है मैंने नहीं देखा लेकिन परिजात हिट हो चुका है हम्म ऐसा आपने देखा हाँ मैंने नहीं देखा मुझे नहीं पता कि कोई ड्रामा है मैं देख अपना लिखा भी देखता तो मुझे उसने आ, कॉल की फिर अवान ने मैंने उसको कहा भगाना था मैंने मैं उसे लेता था पच्चीस तीस हजार रुपये चालीस हजार रुपये पर चालीस हजार से ज्यादा नहीं लेता था तो मैंने उसको भगाने के लिए कहा जी लाख रुपये बर्थडे के भाग जाएगा डन हमाम <laughs> बताया अब तो डन तो तो हो गया तौर भाग नहीं हो गई मैंने अपने बेटे ईसा को लिया मुझे लगे करने के लिए इस्लामाबाद जब मैं वहां गया उसी दिन इसके जो राइटर हैं परिजात के वो मुझे मिलने के लिए है हाशिम नदीम साहब रात का उन्होंने खाना किया रात के खाने पे हम बैठे पहले दिन शूटिंग हो गई सारी टीम से तारुफ हो गया अभी तक मुझे नहीं पता कि ड्रामा हिट है तो हम शाम को खाना खा रहे थे कुछ शाम क्या रात को ढाई बजे का टाइम था शूटिंग के बाद तो कहते कि उतार भाई खुदा और मोहब्बत में आपने हमें टाइम नहीं दिया मैंने कहा नहीं सर वैसे तो डेटें हो गई थी और फला 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 तो वो तो आपके डायरेक्टर ने मुझे कहा कि नहीं जी ऐसे और फला उसने भी जब मुझे ये बताया ना कि साहब आपको कट करके वो रोल फला ने किया है तो तब मुझे पहली दफ़ा पता लगा हमारी यहाँ बड़ी जो मुनाफकत है वो ये है कि मैं आपको कट करवा दूंगा इसको रोल करवा दूंगा खुद नहीं करूंगा लेकिन उसमें उस मुनाफिक ने वो रोल खुद कर रखा था और मैं आपको बड़ी तकलीफ दे एक बार बताता हूँ जो उस वक्त मुझे तकलीफ थी अब तो नहीं है मेरी तकलीफें वक्ती होती हैं कि धावलपुर डीएचए कहता मेरा एक कनाल का कॉर्नर का प्लाट था अगर वो सत्रह अठारह लाख रुपये मुझे मिल जाते तो खैर मुझे वो फिर बेचना था मैंने फिर वो बेच दिया और मैं ये कहता हूं वो मेरा नहीं था अब मैं ये करने चला गया खैर वो बात गुजर गई मुझे पता लगा मुझे ये भी समझ आ गया कि रक्से बिस्मिल में भी हाशिम नदीम ने मुझे रिकमेंड किया और उसमें भी और वो दोनों में नहीं कर सका तो इसमें जब मैंने लाख रुपये मांगा तो इसलिए आ कर दी कि राइटर कह रहा है जी के फी चाहिए और आशिम नदीम साहब मुझे कहा भाई आप देखिएगा हिट होगा अच्छा मैं बड़ा हैरान था मैंने कहा आशिम साहब जो मुझसे पूछ रहा था मैंने उन दिनों जो बीलाओं की से बनाया उनको छोटा सा रोल है वो कर रहा हूँ मैं रात को जब शूटिंग मतलब अगले दिन जब सो के उठा और अगले दिन शूटिंग पे जाना था तो अम्मा को कॉल की मैं रोज शूटिंग से पहले अम्मी को कॉल करता हूँ तो मेरी बेबी कहती के, काका मैं कह जी वो कोई परिजात ड्रामा है शूटिंग लिया है कहती हाँ काका तेन पता परिजात कराची चला गया सेवेंटी <laughs> प्लस मेरी माँ ने जब ये कहा तो मुझे एक लम्हे से पहले पता लग गया ड्रामा हिटेगा ड्रामा मतलब हिट है, मेरी है तो मेरी माँ मतलब वो अल्लाह ना कहते कराची चलाएंगे तो वहां से मुझे हुआ उस रात मैंने फिर चार एपिसोड देखे फिर अगले रात चार एपिसोड देखे तो छह सात आठ चले गए थे तो मुझे समझ आ गई हिट हो गया लेकिन आसिफ इसमें मैं आपको बताऊं इतना हिट हो जाएगा मैं तीस साल से शोबिस में हूँ मैंने बड़े रोल हिट होते देखे लेकिन बड़े रोल बड़े लोग मिसाल के तौर पे अभी हमारा ये जो इमरान अशरफ है बोला भोला हुआ मेन करेक्टर था परी झाद का कमाली ग्यारह बारह सीन है यार और स्पेन उसका इतना बड़ा है मतलब अभी देखे ना राजा प्लस्तर के साथ क्या हुआ है राजा प्लस्तर इस तरह से हिट होगा मुझे नहीं पता था मैं कसम खा के कहता हूं ये तो मैंने उस वक्त किया था जब मैं परिजाद कर रहा था एट द सेम टाइम ये दोनों रिकॉर्ड हो रहे थे ऊपर नीचे तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला इसको भी कर देगा तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद मैं आपको बताता हूं मैंने उन दोस्तों को बुलाया जब परीजाद हिट हो गया और मैंने उनको बिठाया और बड़ी इज्जत के साथ खाना खिलाया मेरे हमदर दोस्त है ना थिंक टैंक मैं उनसे कहा मैं के यार तुसी देखो तुम कहते सो कि अगर खुदा और मोहब्बत किया होता तो ये होता अगर रक्स बिश्मिल किया होता तो ये होता मुझे बताओ कि वो रोल तो बहुत बड़े थे ये तो बारह तेरह छोटे से रोल था इज्जत देखो वाह 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 तो मालिक ने जब बता करना है ना तो वो जो कुरान में कहते ना कि हम तुम्हें वहां से थे जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते वाह क्या बात तो इसलिए ये सारी इतनी लंबी जवाब माफी चाहता हूं आपके देखने वालों को बताना ये था ए छोटी मोटी तो घबराया ना करो

नहीं जी देखिए मैं आपको बताता हूँ बताया कि आठ तो दस लाख रुपए में घर नहीं चलते जी और साल या दो साल के बाद एक रोल मिलना इससे पहले तो गुलूबाचा बेट हुआ था बात ये नहीं अठारह में शायद उन्नीस में उससे तो घर नहीं चलता ना घर चलता है मुस्तकिल आमदनी से वो थी मेरी राइटिंग तो सत्रह अठारह में मैंने कंप्लीट कर दिया था वो नागन तो पाँच छ साल पाँच साल इन्होंने काम नहीं दिया मुझे और एक्टिंग की भी कोई ऑफर नहीं आई फिर मैंने सोचा कि चल यार हम ही छो पे वाह वाह मतलब आप देखे इतना डीट तो नहीं होना चाहिए पाँच साल इसे इंतजार करता रहा कि बाबा जी शफाक साहब को भी दस साल काम नहीं मिला था नहीं। दस साल के बाद एक बड़े लंबे वकफे के बाद फिर जाविया शुरू हुआ था बाबा जी शफाक साहब का तो मैंने कहा चले काटते लेकिन पाँच साल में जब सब जमा पूंजी खत्म हो गई प्लाट शराट वेक गए हाथ पैर मारे मार्थ पैर लेकिन अल्लाह ने फिर जब आप बिलीव रखते हैं उस पर और यकीन करते हैं कहते हैं ना एक दर बंद दर खुल जाते हैं मैं आपको बताता हूँ मैंने परीजात की रिकॉर्डिंग के दौरान ना अहमद अली अकबर का एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और वो था उसकी दाढ़ी में जब वो परीजा अमीर हो जाता है तो वो चार छह महीने बड़ा रहा बल्कि चार छह महीने नहीं, नहीं उससे भी ज्यादा पड़ा रहा जैसे उसकी दाढ़ी वाला वो आया मैंने उसको डाल दिया मैंने उसको डाला मेरे उस वक्त पंद्रह हजार फॉलोअर पंद्रह हजार सब्सक्राइबर्स जी वो उन्हें जंप मारे है, जाके अस्सी हजार चैनल रुके अगले महीने फिर और उस वक्त मैं जो वीडियो डालूँ निकल जाए आप यकीन करेंगे तो मुझे तो पता भी नहीं था मेरी दो हजार ग्यारह बारह की आई डी है यूट्यूब की ना तो पहली बार मुझे

स्विच कर गया फिर सिर्फ मेरा सारा फोकस हो गया तो अब आपका सोशल मीडिया पे फोकस ज्यादा है दरअसल मेरा फोकस है खुश रहने पे सोशल मीडिया बंद हो जाएगा मैं कितने रेडी ला लांगा हाँ और अपनी पेज के जरिए मैं तिखे छिके बेचूंगा मैं लोगों को यह बताना चाहता हूँ आसिफ के हमने रहना जिंदा और खुशी के साथ अब खुशी में अब मैं, मैं कहूँ जी लो जी मैं तो अट्ठाईस साल लाए ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਲੈ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 24 ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੋ ਡੂੰਡਣ ਨਿਕਲਾ ਬੁਰਾ ਮਿਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸੇ ਬਦਲ ਨਾ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਰਤ ਪੜਾ ਅੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ

और मैं बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तो मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने लव मैरिज की थी तो मैंने अपनी माँ को रोते देखा अपने बाप को नाराज देखा नाराज तो क्या था बड़े भाई हाँ। अच्छा मैं वो नहीं चाहते थे थी माँ, देखे माँ बाप चाहते हैं कि वो ठीक है अल्लाह का शुक्र है अब तो उनके बच्चे वो तो दादी दादा नानी नाना बांट गए ने लेकिन मैं वैसी उस वक्त की सिचुएशन बता रहा माँ बाप चाह रहे होते हैं मेरी माँ और बाप ने कहा तो मैं ने उसी नहीं उसने नहीं कहती था अम्मा से मैं अम्मा मेरी शादी आप करेंगी अब्बा जी की मर्जी से होगी मैं बड़ा खुश हूं नहीं तो अपने बेटे की शादी उसकी मर्जी से करवाएंगे या उधर भी आप ये चाहेंगे कि मेरी मर्जी से नहीं 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 मैं तो इस बात का कि बच्चा देखें वो अगर राजी है और उसको लगता है मैं उसको बताऊंगा जरूर एक बारी जरूर बिठा के दसांग काका तेरी नजर वो नहीं तक सकती जो मेरी तक दी है दिस इज द थिंग ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬਜ਼ੇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੋ ਬੈਕ ਬਾ ਬਤਾ ਦੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੀਸੇ ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾ ਬਸ ਔਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ बताना फर्ज है फर्जे का लेकिन मेरा हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल इशफाक अहमद साहब पानो कुत्स्या जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े, बड़े नाम बड़ी कादावर शख्सियात का साया आपके सर गा आपको मौका मिला कि खिदमत करने का या उनके पास रहने का उनकी शख्सियत उन नज़र भी आता है आपके अंदर फकीरी नजर आ जाती है रमज तो ये इस ब्लेसिंग को तो क्या देखते हैं जिंदगी में क्या फायदा दिया इसने आपको यही कितनी जरूरी है एक इंसान के लिए मुझे जब मैं कहीं किसी एयरपोर्ट पे रश कर रहा होता हूँ भाग रहा होता हूँ फ्लाइट पकड़ने के लिए या कहीं मार्केट में कोई मिल जाए जहां टाइम नहीं हो जी और कोई नौजवान कोई मेरी बहन कोई भाई आके जब मुझे कहता है ना कि सरार साहब कोई टिप्पी दे जाए तो मैं कहता हूं कि यार माजरत के साथ कि इस कदर बर्दाश्त बढ़ा लो कि लोग तुम्हें आके कहें यारे तुम में गैरत है भी कि नहीं है अगर इस सोसाइटी में रहना है और अगर खुशी के साथ रहना है बात दरअसल ये है कि ये बाबा जी शाह के पास बैठना और मैंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उनके साथ उनसे कुछ सीखने नहीं गया था मैं तो ढाने गया था उनको मुझे उनकी बातें मैंने कुछ सुनी थी उनको मिलने से पहले मैंने कहा नहीं यार इस बंदे का अकीदा ठीक करना है आ, वो बाबे के पास गया तो वो मैंने लिखा था कि लोहे का रंग और सूफी का रंग एक बार चढ़ते तो फिर नहीं उतरता वो बाबे ने रंग लिया कोले, कोरा लट्ठा सी ना मैं ठीक करने मैं ठीक करने गया था मैंने दरअसल छोटा जेन हम हैं सुन्नी बरेलवी भी नाते पढ़ने वाला बच्चा और जिक्र करने वाला और वो सारा तो बाबा जी ने एक, एक गुफ्तु की उन्होंने कहा कि न्याजे वो जो है हमारे जो वकील हैं इंटरव्यू किया करते थे बुखारी साहब नहीं बुखारी नहीं बुखारी नहीं बुखारी साहब ने उनसे किसी एक प्रोग्राम में पूछा था कि कोई रिग्रेट उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं लेकिन एक जरूर है कि जब आ, मरूंगा तो अल्लाह से ही पूछूंगा कि तूने ऐसा क्यों क्या कि मुझसे पूछे बगैर मुझे पैदा कर दिया मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम रख दिया मुझसे पूछे बगैर मेरे माँ बाप के खदो बना दिया मुझसे पूछे बगैर जब जीने को दिल करेगा तो बुला लेगा तो यहाँ क्या तो से कौन से कौन सवाल अपने वालों में टान गया सर बाबे ने टाले जवाब मिले फिर वो सर ऐसे ऐसे जवाब मिले मतलब जीने का सलीका आ गया बाबा जी देखें मैं आपको बताता हूँ बाबा जी कहा करते थे कंप्लेन करने वाला बंदा कभी अच्छा नहीं होता शिकायतें करने वाला नुकता चीन एतराज करने वाला कहते ज़िंदगी में तो गुरबा पाई से गुजर जाओ गुरबा बिल्ली बिल्ली जब चलती है ना तो आवाज नहीं आती गुरबा <laughs> पाई से गुजरना है आसिफ जट से मिलके भी निकल जाओ और आसिफ को कुछ खराब फील भी ना हो गई यार बंदा साधन ले नहीं बुला तो मैं वही कोशिश करता रहता हूँ बाकी नीयत मेरी अल्लाह जानता है इशफाक साहब बानो कुसिया जैसे लोगों से मिलना उनकी सहगत में बैठना उनसे सीखना मेरा ख्याल है कि कोई शायद एक दो उम्र के कुछ छोटे लोग अभी होंगे जो क्योंकि बाबा जी को तो गुजरे हुए उन्नीस साल से ज्यादा हो गए तकरीबन ही तो कुछ अरसे के बाद हम भी नहीं रहेंगे तो वो जो आप सारी वीडियोज़ देखते हैं जहाँ मैं जिक्र करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि यार उसके बाद किन्हीं करना है मेरे पुत्र अनि सिंह का पता है बाबा इशफाक का तो नहीं पता वो फिर मैंने ही दसना पैना तो बस वो एक वाक्य ना एक फाक साहब मेरे साथ भी हो गया मैंने एक बुजुर्ग का इंटरव्यू किया तो मुझे फोन आ गया जैसे आप कह रहे थे ना मैं बला ठीक करने जाना है तो फोन आ गया तो उन्होंने कहा कि आ, ये जिस बुजुर्ग का इंटरव्यू किया है इन इनको मानते भी हो तो मैं कह दूंगा मन्ना डाला ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬਲਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਲੈ ਵਾਹ ਅੰਦਰ ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿਲਲਾ ਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਹਕੀਕ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਪੜਾ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੱਬ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ नहीं जी मैं तो मेरा तो रब एक ही रब्बुल रबीन देखिये मैं आपको एक बात बताता हूँ हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस बाबे का इश्वार सब जिक्र करते थे या जिसका मैं करता हूँ वो है कौन ये कोई चमत्कारी लोग नहीं होते ये कोई ओढ़ के नहीं दिखाते ऐसा नहीं है ये हर अंडे में से हाथी का बच्चा नहीं निकालते है। ये एक गल देन एक गल बात दे दी आपको बस अब आपने अगर वो ओढ़ ली पहन ली तो आप तर गए कोई ऐसी बात जो अंदर हलचल मचा देती है बे, बेताशे बाबा जी इशवाक साहब से शाम को मिलने जाता था मैं दासन सराय उनके घर का नाम था कौन दिनों में नया नया स्ट्रगल कर रहा था पीटी में तो किसी ने कहा राइटर में बैठा कर तो ये सीन रोल लिख देते हैं कम कुमते लब कोई नहीं सी मैं जाके कुछ राइटर से बैठा और मैंने बकायदा तौर पे जो चापल उसी थोड़ी सी करने की कोशिश की तो तोड़ेगा तू तो अशफाक साहब के पास बैठते और अशफाक साहब के फसीदे करने लग गए अब मुझसे बर्दाश्त थी वहाँ से उठ के आ गया और वो कम ये कह रहे थे कि अशफाक अहमद मुनाफिक है मैं शाम को दासन रह गया तो बाहर खड़े हुए थे कहीं जा रहे थे कहने तू आप बानो को बह अपनी आपा को मैं हो नहीं आना तो वो गाड़ी निकल रही थी तो गाड़ी आई नहीं थी अभी ਮੁਜੀ ਗੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਫਲਾ ਫਲਾ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੀਆਂ ਇਕ ਨੇ ਇਕ ਨੂੰ ਦਮਗੈਂ ਇਤਹਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਟਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸ਼ਵਕ احمد ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ ਜਵਾਬ ਸੁਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਦਾ ਸੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਅਚੂਰ ਜਾਏ ਗਲ ਮੁਕਾਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਵਾਬ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਏ ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਬਦਰਸ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮਰਨੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ सरसती का दौर और आपका इतना इल्म आप कैसे रहे इन लोगों के साथ उन्होंने कहा यार जेड़ा बंदा आया ने जेड़ा इतराज़ कीता ना मैं कहा तुम ठीक कह रहे हो तो छात्र बोलया कि सर ये तो منافقत नहीं है तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम भी ठीक कह ओ वाह वाह ये कैसे हूं कैसे उनका हिसाब करके की लेना कीला बाबा जी इशफाक से फरमाया करते थे अगर किसी महफिल में किसी को रसवा करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत मोटी दलील है दलील रोक लो बंदा बचा लो अंदा बिछा लो मैं बंदे बेचा दे रहे हैं वाह वाह वा, वा। बहुत खूबसूरत अखबार अच्छा आपकी किताब चिक्कड़ छोले मार्केट में आई फिर बड़ी बिकी इन लोगों ने बड़ी पसंद की और मेरे जैसे बंदे जो ऑनलाइन ही बैठे रहते हैं कोई हमें जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी एक तो चिकन छोले ये टिपिकल लाहौरी नाम है है ना अंदरून की एक खुशबू आती है इससे चिकन छोले सुन। किताब में क्या है ऐसा खास है मैंने इसमें थोड़ी सी चलाकी ये की है कि लोगों कहानी बहुत अच्छी लगती है हाँ अब आगे सुनाने बैठ जाए मैं वो जन पूरा वीडियो देखें हाँ कहानी सुन हमें बचपन में दादी नानी कहानी सुनाती थी अम्मा और से सुनते सो जाते थे सुनते तो मैंने बाबा जी इशवाक साहब का जो दास्तान गोई का अंदाज है जी वो उठाया वहां से और आसानी पैदा ये की नफ्स हमारा नफ्स लवामा नफ्स मलिया का जिक्र किए बगैर कुछ कहानियां लिखी कुछ चातियां बुआइया इधर भी छाती मारो उधर भी देखो आपके गिर्द हमारे जो जो गिर्द हमारे रहमते और ब्लैसिंग बिखरी पड़ी हुई है जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं मैं मिसाल देता हूं आप अपने ऑफिस रोज आते हैं यार वो गेट कीपर रोज आपको सलाम करता है वो आपको सलाम नहीं लगता वो आपको इज्जत नहीं लगती कभी सोचा है कि यार मैं उठ के आया बीवी ने तो राश्ता देना देना मनकूहा है इनके तपाक करके सलाम किया कभी उसका शुक्रिया अदा किया कभी इस बात का शुक्रिया अदा किया कि यार सवेरे इसलिए अख खुल दी है जे अख ना खुल फिर होता है कि हज रात जरूरी ऐलान सुनिए होंद फिर वो जो फूल खिले हुए होते हैं आपके ऑफिस के बाहर या ये जो सड़क के डिवाइडर के ऊपर कभी उन फूलों को देख के अलग शुक्रिया अदा किया कभी उस नान वाले को या केले वाले को उनको ना कि कितने की दर्जन केले ना होगा डेढ़ सौ यार मेरे को तो दसोगा कहना भाजी कोई गल नहीं पचास फिर दे जाना यार वो आपको जानता भी नहीं वो कहता पचास फिर दे जाना कभी इसको सोचा है मैं चाहती चातियां बुआइया ने कि सिर्फ हमारे इर्द गिर्द शिकायत का दफ्तर ही नहीं है हमारे गिरद अल्लाह की बड़ी ब्लैसिंग है जो हमें नजर नहीं आती फिर मैंने उसके अंदर वो तो भी लिखे जो जी के साथ गुजरा फिर आ, मेरी साहब की डेथ का पूरा वाक्य कुलों तक और बात तक लिखा हुआ तो ऑटोबायोग्राफी भी है मेरी और मेरी चलाकी सिर्फ वही है कि मैं छोटी छोटी कहानियां सुना चाहती है हाँ वाह 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 अच्छा आप कहते हैं दीन और दुनिया ना आजकल के दौर में साथ साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप तो दो इंतहाओं पर हैं ना एक तरफ ग्लैमर और ये मीडिया की दुनिया और एक तरफ मज़हब भी आपके अंदर है जुड़ा हुआ है सूफियों की सोबत में रहें इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं तो कुल लड़कियां भी मैसेज कर देती होंगी ग्लैमर लड़ सारा कुछ है और फिर आपके अंदर एक वो भी रूहानियत भी है तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे कर देखिये जी रोहनित है नहीं ये तो मैं नहीं जानता ये तो आप ही बता सकते हैं देखने वाला मैं कहता कभी दावेदार नहीं रहा दरअसल मुझे मेरा दीन अजीम बताता है कि मैंने दुनिया कैसे गुजार नहीं है मैंने कभी दीन और दुनिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया ये एक ही है दो रुक है ठीक है दुनिया में कैसे रहना ये मुझे मेरा दीन बताता है तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई Uh, क्योंकि मेरा हमेशा से यकीन रहा है कि पहली लालच को ठोकर मारने वाले को हमेशा कामयाबी मिलती है और अल्लाह ताला ने खताओं के पुतले हैं हम बशर हूँ गलती करूँगा लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कोशिश करता हूँ कि नई गलती करूँ पुरानी ना दोरा वा वाह वाह तो बस वो सिलसिला है बच के चलने का ठीक आपकी नज़र क्या कहती है सोशल इश्यूज पे जिनमें आजकल अब आप देखते हैं कि नए नए बच्चे पसंद की शादी हो लव मैरिज हो जाती है तीन महीने बाद डबोर्स तीन साल बाद डाइवोर्स रेशो पड़ी हो गई है ये आदम बर्दाश्त है या आप समझते हैं दूरी ऐसा है और या फिर सिलेक्शन गलत है आप एक अपने तजर्बे से मैं चाहता हूँ कि ये बताएं देखिए आसिफ मैंने अपनी ज़िंदगी में लव मैरिजों में चले हम रेशो कम भी कर ले तो चालीस फीसद तो तलाक होती देखिए मैंने बहुत कम रेशो बता दी हंड्रेड में से नहीं आपने वाकई चालीस परसेंट तलाक तलाक हो जाती जी, चले यही राखी जो साठ परसेंट बाकी बचते हैं ना वो लड़ते <laughs> उसकी वजह बता मेरे तीन भाई ने लव मैरिज किया है ठीक है दो भाइयों ने हमने अपने माफ की मर्जी से की <laughs> आप यकीन कीजिए कि हर रोज सुलह करा रहे ऐसी बैठे हाँ अच्छा उसकी वजह मुझे ये लगती है कि तो बाद करनी है में सारी बंद ने कम तभी जाड़ा है शायद लड़की वही खड़ी रह जाती है आगे बढ़ना चाहिए उसको आगे बढ़ना चाहिए उसको बीवी बनना बहू बनना फिर मां बनना आगे चले जाना चाहिए मैं कसम को आगे कहता हूँ एक साल तक या बल्कि एक साल से कुछ पहले तक मेरी बीवी मेरी बीवी थी जिस दिन अली पैदा हुआ उस दिन वो माँ बन गई मैं आज तक अपनी बीवी तलाश कर रहा हूं बुट्टी नहीं ली मेरी दोबारा <laughs> मेरी भी माँ हो गया है ये काले ये पीले बोला कद नहीं गाओ गया हो लेकिन अच्छा तो यानी किरदार से किरदार में शिफ्ट होना है हाँ। पिछले किरदार में रुक नहीं जाना नहीं नहीं पिछले किरदार में रुक गए तो सापा देखे ना सास कह तेरी ऐसी की तैसी तू के आ जाए ਬੋ ਗਏ ਤੇਰੀ ਦੇਖੇ ਇਸ ਕਾਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਹ ਮੇਸ਼ਮ ਕਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਰਜ਼ਲ ਸੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਨਕਾ acha jadi society de vich sasri nahi hundi na ohna ka matlab ye hai arab me shaadi hoti hai munda ladcha banda kudni laade ji aise na sajda se aapna nannda se aapna to maate hi wale jhagde nahi hote thoda zabardast kar le main misal deta hu la marriage ho ya na ho ek bachi UNICEF se aari hui 24 ya 25 saal ki umar me wo aapke ghar aa gayi ओनू ए गहरा तेरी मां ना नहीं सिखाया खुदा खौफ करो आंटी जी वो यूनिवर्सिटी तो आई है इसको आप सिखाए दो चार साल दे दें आप जैसी हो जाएगी तो हम वो चांस नहीं देते अच्छा माँ के अंदर कहीं लाशोरी तौर तो पर शादी होता होता तो पुत्र खोया गया तो तो मेरी शादी तो मैं रो पया मैं बखरे कम नहीं सौना पेगा मैं बेबे को सुनना सा तो ये होता है यार ये थोड़ा सा लेकिन चूंकि आप किसी की बेटी लेकर आए हैं तो वो अल्लाह और रसूल के नाम पे आपसे आके जुड़ी है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है उसकी इज्जत करनी है मतलब आप देखें कि मैं मौला की की मिसाल देता हूं। की कुछ देखे क्या मैं देख चुका हूँ जिसमें वो कहते हो ए, अपनी बॉडी में ना मारे वो तो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ यार खुदा का वास्ता इसकी इज्जत करो मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ आसिफ जी हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा शेर हो लेरो बुढ़ी ऐसी के रखी होंगी कोर के, के रखी होंगी है मुझे बताया भी औरत शेर पैदा करती है बकरी आये। आ, आ, आ। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा शेर का मतलब ये नहीं है शेर का मतलब है सून परस दलेर एक अच्छा पाकिस्तानी वतन के लिए कुछ कद गुजरने वाला उसकी बात करो तो भाई जान वो तो वो औरत पैदा करेगी जिसकी आप इज्जत करते होंगे क्योंकि वो अपने आप को बाजत समझेगी तो वो साइकी शिफ्ट होगी उस बच्चे में लेकिन अगर मेरी बीवी मुझसे डरती है खौफजदा है लाशौरी तौर पर बच्चे वैसे हो जाएंगे तो बस ये, ये आप देख लें अगर आपने तो अपनी औरतों को दलेर बनाए हौसला दे हां हां मर से बड़ा हौसला गया है मुझे बताए बासिया आपा देखिएगा खराज तहसीन साहब के मरने के बाद यार बाबा जी अस्सी बयासी साल की उम्र में गए हैं और वो कह रही है कि मुझे आज बदल मतलब बानो कुसिया स्टाइस, टाइस शोरा फाक किताबें लिखीं राजा गीत की खालिक सारे पाकिस्तान के तबके उनके पास पैसे की कमी नहीं वो खातून जिसको अल्लाह इल्म और शोर के जेवर से नवाजा हुआ वो कहती है मैंने लगता है मेरे सिर ते सहाय नहीं रहा मैंने दोनों पता लगा कि मैं तो काम ही नहीं करती मेरे को सारा तकलीफ़ और सारा बोझ तो शाक़ साहब ने उठा रखा था अस्सी साल की उम्र में गया बाबा जी उनको लगता था पहले चले गए खावन सोलमेट्स ये आपकी बीवी के लिए आप एक बड़ा तगड़ा एक वो रेफरेंस होते हैं और फखर के साथ कहती है कि मेरा फना खाविंद है वो बुटी ने बेचारे के ना कह रहा है जेडा बंदा ही उन्होंने गला काटता रहे तो कुटता रहे बड़ा मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत है है, है।, है। इस तालीम की कमी है शौर की कमी है और फिर कुछ लोगों को उसताद भी नहीं मरता ਨੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖਿਆ ਅਗਏ ਦੋ ਜਨ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾ ਉਮੇਨ ਸੱਲੱਲਾ ਕੇ ਅਫਕਾਰ ਪੜ ਲਏ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰਤ ਕੀ ਤਕਰੀਮ ਔਰਤ ਦਾ ਇਤਰਾਮ بیوی ਕਾ ਬੇਟੀ ਕਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਤਾ ਦਿਆ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾ ਪੇਜ ਰਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਵਾਲਸਪ ਕਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੋ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਵੇਲਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਭਰਨ ਡਿਆ मेरे पास एक बच्चा आया इसका मसला बहुत खराब हुआ हुआ था तलाक तक बात पहुंच गई थी मैंने उसको कहा अपनी बीवी से होना मैं क्यों मैं माफ़ी मांग मैं कहा बीवी से भी मांगनी है सास ससुर से भी मांगनी है वो पहले राजी ना हो मैं कहा बस फिर तलाक थे होनी नहीं अदालत उस खैर उसको समझ आई और उसने बीवी से भी और मा... माफ़ी मांगी सासर वो घर आ गए उसकी बीवी एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहता कि

तो अब भी वो खुद नुमाई का शौक बाकी रह गए या वो साथ ही ले गए नहीं जी मैं आपको बताता हूँ वो उसको तो नहीं मरा रहा था इशफाक साहब की बात इसको टाइम लगा था हाँ टाइम लगा था फौरी तौर पर देखें कभी भी कुछ ऐसे नहीं होता आज आपके इस प्रोग्राम के जरिए जो बच्चा मेरी कोई भी बात सुनेगा मैं आपको लिख कर देता हूँ दस साल बीस साल पच्चीस साल अब तो ये फॉर्मेट रहना है ना वीडियो का मेरे मरने के बाद लोग सीखेंगे टाइम मुकर नहीं करना और हम, मैं तो बड़ा नालायक आदमी कभी फौरी सीखा ही नहीं हाँ। मुझे बहुत सारी मुझे अहमद मैं मैं तो तो खान कहता था तो बाबा जी कभी कहा नहीं ये तो मैं कहता ना मैंने कहा बाबा जी मैं तो खान साहब कहता था इशफाक साहब कहता था मुझे उनके जाने के बाद समझ आया गया, गया, सी, गया तो फौरी तौर तो पे कभी किसी को कुछ समझ नहीं आता लेकिन हाँ आपका लहजा आपका अंदाज आपकी मोहब्बत भरी आवाज़ और एक बड़ा ही अली दर्जे का लफ्ज़ों का चुनाव लोगों के दिलों में घर करता है और अगर चार साल में असर होना है तो दो साल में भी हो सकता है दो हफ्ते में भी हो सकता है लेकिन बात प्यार मोहब्बत और एहतराम से की जाए तो मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना कामयाब रहा हूँ लेकिन एक मुझे सन्नत मिल गई मैं अपनी बीवी को और अली को लेकर दिसंबर में गया उमरे पे और मैंने क्योंकि मैं आपकी तरह सबकी तरह आका का दीवाना हूं तो मैंने कहा बेगम मदीना में एयरपोर्ट बन चुका है दो हजार तेरह में भी गया था मैं उसके बाद अब गया था तो मैंने कहा मदीने चलाएंगे पहले सरकार ने कहा लिया ठीक है तो हम चले गए रात को ढाई बजे का टाइम सर्दी बारिश हो रही थी मैंने दो स्वेटर पहन रखे और मैं वीडियो बनाता हुआ मस्जिद नबी में दाखिल हुआ हूँ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹ ਕਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲਓ ਅਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਤਾ ਰਹਾ ਹਮ ਜਦ ਉਮਰੇ ਪੇ ਗਏ ਤੋ ਉਮਰੇ ਪੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ तो मुझे मेरी बीवी कहती सुनिए मैंने कहा कहती वो ये खातून कह रही है कि तस्वीर बनाने में मैं कहा बनवा मैं मैं ले जी फारा कहा मैं कहा ले अल्लाह तेरी बंदी है और मैं इनकार की करा बनाई अच्छा ये सब कुछ हो गया जब मैं वापस आ गया तो पंद्रह सोलह दिन के बाद बैठे बैठे मैं रो पड़ा मेरी बुढ़ी कहते यार मेरे आका के दर पे और अल्लाह के हजूर एक शख्स भी आके अगर मुझे ये कहता ना तुम्हें शर्म आती वाँ है तुम क्या कर हो वाह 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 मैंने कहा वो बात मैंने बतानी तो किसी को, किसी को नहीं थी किसी को नहीं बतानी थी लेकिन उस गल ने मैनू मार देना सी अंदर अंदर आए हाय आए 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 मैं कसम लाता जे मैं कसम खा के बताता हूं आसिफ जब मैं शोबिज में आया मैंने एक बात सोची थी कि इफ्तिखारी अगर तू बूढ़ा हुआ छब्बीस साल का था और अगर इतना बूढ़ा हो गया कि तेरे बच्चों ने तुझे नीचे वाला कमरा दे दिया हो जिसमें कमोड होगा जिसमें घड़ी होगी जाए नमाज होगी तो होगा तेरी बूढ़ी बीवी होगी शायद वॉकर भी हो और बहू या नौकरानी हमें नाश्ता और खाना दे देती हो, दवाइयों का एक अलग टेबल भी होगी अगर वो वक्त आया इतना बूढ़ा हो गया और वो वक्त आया कि तेरी बीवी सो रही है या खांस रही है बीमारी में और तू भी खामोश बैठा हुआ है बच्चे तो मसरूफ होंगे ना तो अपनी बीवी को देख के नजर ना चुरा रहा हो कि यार मैं जवानी चेंज गीता सी क्योंकि उस वक्त जो पछतावा होगा क्योंकि उस वक्त जब याद आएगा इफ्तारफी जवानी में तू ये, ये करता रहा है। तो तू उस दिन हो सकता है शर्म से ही मर जाए तो फिर अल्लाह का शुक्र हैटका नहीं है मेरे माँ आपकी तरबियत और फिर बाबा बहुत, बड़ी बात बहुत ही बड़ी बात मैं क्योंकि डिजिटल मीडिया के फील्ड से हो और हमें भी अपनी पजीराई का अंदाजा तब होता है कि हम लोगों में कितने मकबूल हैं जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं क्योंकि वो परदेसी जो होते हैं ना वो हमें ही देख रहे होते हैं और फिर जब वो आपको मिलते हैं और जो बातें कहते हैं तो मेरे साथ भी सेम टू सेम आप वाला सीन हुआ मैं भी मदीने में था में था उतरा भी मदीने में आपका तो दर्द कह रहे हो तो चंगा कर रहे है लेकिन मैंने आप वाली बात नहीं सोचा नहीं जी मैं। मुझे डर नहीं लगा इसलिए कि मुझे पता था मैं ठीक कर रहा हूं मैं नहीं डरा उस वक्त क्योंकि मुझे पता था मैं ठीक कर रहा हूं मुझे कोई कह नहीं सकता कि तुम गलत काम कर रहे हो तुम हराम कमाते हो ये मुझे नहीं कोई कह सकता क्योंकि मैं नहीं करता लेकिन जब मैंने आज, आज आपकी जुबान से यह बात सुनी तो मैं अब कोई कह देता सी। तो बड़ा परेशान हो जा लोगों को कहा गया है आप ये जानते हैं जी मैं मस्जिद नबी के सामने खड़ा था और एक शख्स आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि आप जेहलम से हैं। और जेहलम का एक शख्स जो है उसने मेरे साथ ये ये किया मैं हाथ और जोली उठा के उसने उसके लिए बदवाई देनी शुरू कर दी और जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पता चला कि वो शख्स जो है गिरफ्तार हो चुका है इस वक्त भी वो जेल में है अपने मौजूद पर निकल जाएंगे हम <laughs> आप यह बताइएगा कि बहुत सारे अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी समझता हूं। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बहुत सारे मुल्क घूमे मद्दा मिलते हैं फैन मिलते हैं कोई ऐसा फैन मोमेंट बताए जो भूल नहीं सकते दिल बे लग के किस मुल्क में था और क्या फैन मोमेंट था वो आसिफ क्योंकि मैं राइटर हूं मुझे चीज़ें बहुत मेरा मेरा देखने का एंगल भी बहुत और है चीज़ों को मैं मेरे बच्चे भी कहते हैं कि बाबा हमने सोचे नहीं है मेरी बीवी भी कहती है मैं कहता हूँ यार तुम राइटर नहीं हो ना अब एक उस्ताद मेरा डॉक्टर अमर सजात लेफ्ट का आदमी एक उस्ताद मेरे बाबा जी शवा साहब राइट के आदमी एक उस्ताद आजम खुर्शीद मरून जो जाविया के प्रोड्यूसर थे जिन्होंने शुरू किया था तो मुझे बड़े और तरह मेरे फिर मां बाप उसद मेरे तो मुझे बड़ी और तरह की मेरी तरबियत हुई है तो सॉरी मैं सवाल पूछ गया होगा मैं ये पूछ रहा था कि फैन मोमेंट हाँ। को इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता इतनी ज्यादा है मैं अपने एक फैन के साथ था लंदन से कोई दो ढाई घंटे के फासले पे आपने शायद वो देखे स्टोन हेंच पत्थर वो अक्सर मुझे कंप्यूटर खोलते थे ना उसमें तस्वीर नजर आती थी वो खैर मैंने अब जाके देखे हजारों साल पुराने है वो टठिया महल है जा कोई। उसके बिल्कुल पास एक शहर है उसका नाम है बासिल ठीक जहाँ ये चीनी कम और मोहब्बत की शूटिंग हुई भी, भी है बात पत्थर जो है वो, 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 मैं क्या कलर बताऊँ आपको वो येलो सा होता है, है या, आ, या, वो निकलते ही ऐसे है और वो पूरा का पूरा येलो है वो पूरा शहर बाध सिटी की खूबसूरती है अब बाध सिटी के अंदर कोई आम बंदा जाता भी नहीं है सारे गोरे आए हुए थे सारे यूरोपियन थे सारा दिन मेरे दो जो थे मेज़बान वो हम घूमते घूमते रहते मेरे मेज़बान ने पूछे कहते तो मैं उतने किस नहीं बिछाने तो मैं क्या यार अंग्रेज ने तो नहीं बछाड़ना मैंने यार वो कह रहे हो शाम हो गई जब शाम हुई तो हम अब अब वो कहे खाना खा लो मैं खाना ना खाऊं ए तो मैं अगर नहीं यार ही आ रही है आए, आ। मैं ऐसे था यार मैंने दाल खवा दे मैंने कुछ सब्जी खवा दे मतलब कोई ऐसी चीज खिला दे जिससे मुझे शायद ना हो हराम लाल का वो ना खैर वो हम एक चले गए एक इंडियन होटल था बात में तो वहाँ हमने शाम हो रही थी अभी सूर्य डूबा नहीं था मैंने वहाँ से समोसे लिए बड़े मजे के समोसे थे वो समोसे जो देने आए तो मुझे ऐसे करके देखता है कहा कवाली साहब बोला मैं कहा अरे वाह कवाली साहब उन्हें एक तस्वीर बना ली चला गया हम बैठ गए समोसे खाए गुफ्तु करने लग गए चाय आ गई चाय पी फिर एक बोरा आया हमने साइकिल उधार भागी मैं साइकिल चलाने लग गया वीडियो बना दे मेरे भूख ज्यादा लगी हुई थी मैं उसको कहा यार दो समोसे और ले यार वो दो समोसे लेके आया कह रहा चाय भी चाहिए मैं कहा चला गया जब चाय लेकर आया ना कह रहा भैया जाना नहीं गुजरात का था मतलब इंडियन गुजरात रहा भैया जाना नहीं मैं खैरियत है करा आ जाना नहीं इतनी दोस्त आ रहे हैं अरे चलो मैं उनको मैं बंदा बाकअप नहीं मिल गया रहा था पाकिस्तानी इंडियन बिचाड़ गया आप यकीन करेंगे कि कोई हम बैठे कोई पचास मिनट या साठ एक घंटा हो गया होगा सनसेट होने वाला था कोई बीस पच्चीस तीस लोग आ गए उसने के व्हाट्सएप पे डाली है ਅਲਦ ਅਲਦ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਉ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਪਛਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲ ਖਬਰ کے اندر بارش ہو رہی ہے علی ویڈیو بنا رہا ہے میں نے ویڈیو ਐਸੀ ਲਗਾਈ تھی ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਫਲਾ بارشੀ ਰੋਗੇ ਮੈਂ ਬਾਗੋ ਤਾਂ ਇੱਕ औरत ਬਾਗਤੀ ਆ ਰਹੀ تھی ਦੂਰ ਸੇ ਮੁਰਕਾ ਲਿਆ ਬਾ ਉਸਨੇ اور جو قریب ائے تو اس نے جب ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਰ ਵੀ ਮੁਰਕਾ ਲਿਆ ਬਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ساتھ ہی ਗਈ ਇਫਤਖਾਰ بھائی ਮੈਂ ਕਹਾ मेरा बेटा आपका बड़ा फैन है और कल्ली औरत बारिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ بڑا بڑا ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅਰ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਫੀਸ ਚਾ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ 200 ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਉਲਟਾ ਸ਼ੋਭਿੰਦ ਚੜਦਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਫਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋ acha ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖेंगे देखिए आसिफ मैं फिल्म में काम करूंगा फिल्म लिखूंगा कमर्शियल मिला वो करूंगा मेरे बच्चों का है। रिस्क है, है। मुझसे ड्रामा लिखवा सकते हैं ना एक्टिंग करवा सकते हैं ड्रामी गाई है। उसकी वजह ये है कि मैं अच्छा लिखने वाला नहीं था मैं अच्छा एक्टर नहीं था तो ये दोनों काम मुझे कोई कोई ऑफर एक भी ऑफर नहीं है कमालकोटों वे डेट हुए 3 साल हो गए एक ऑफर नहीं आई वीजा काम करना है एक ड्रामे की ऑफर नहीं 17 18 के बाद लिखनेगी अब तो ये लोग कहते हैं भाई तुसी की बार विदेश रंदे हो भाई जिस तरह तुसी लाहौर ची या गुजरात ची या झेलम दे विच सवेरे जांदे हो ऑफिस शाम नु आंदे हो तो मेरा भी यही काम है मैं 10 दिन ले कितने सऊदी चले जाना मैं 10 दिन यूरोप चले जाना बच्चे दी रोटी कमाता फिर रहे हैं वीडियो बना के लेना वो मेरा रोजगार को मेरे के फेरी आला है मैं वाह तेरी दुकान दारी अच्छा सफर चु बड़ा रिस्क है मानते हो सफर में अच्छा रिस्क सफर में नहीं है रिस्क तो वो कीड़े को चट्टान में भी दे देता है मेरा रिस्क का मसला नहीं है हाँ देखिए आसिफ जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना तो मेरा रिस्क वहाँ पहुँचता था फिर जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ के जिस्म में मेरा रिस्क रख दिया उसने तो जब तक मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिंग नहीं हो गया मेरा एक रुपया नहीं लगन देता, सारा रिस्क मेरा बाप के लाता था, मेरी माँ के देती थी, कपड़े मैं लगाती ना हाँ तो मैं परेशान नहीं होता मेरा रिस्क रोक ही नहीं सकता हाँ मैं आपको बताता हूं इस साल सोलह मुल्कों में इतना दबाव हो गया ऐसी चीजें आती है वो तो मैं लगा रही तो सेंसिटिव आदमी वो तो जाना नाला पता नहीं ऐसा नहीं कि आप मुझे बिठाएंगे और आप मुझे कुछ बताएंगे मैं डंकी उस वक्त जानता था जब मेरे भाई ने उन्नीस सौ नब्बे में उसने मुझे कहा कि मैंने डॉक्टरी में दाखिला लेना है बेलरस गया था फिर उसने उन्नीस सौ तिरानवे में मुझसे पांच सौ डॉलर में اور مجھے کہا فون پہ کہ میں نے ڈنگی مارنی ہے میں نے پولینڈ جانا ہے میں وہ ڈنگی کی ہندی ہے انہوں نے کہا ایللیگلی جانا مجھے اس سے پتہ ہے تو مجھے آپ بتا نہیں سکتے کیونکہ ایک تو لاہور ویلور اب میرے ہر تھاں تے لے جانا ناخانی جی لے جانا داتا دے میلتے کی لے جانا پیر مگھی سرکار دے میلتے وی لینا پٹو صاحب دی جڑی سلامی ہندی تھی 23 مارچ نو وہ بھی ویکھن جانے سا ہاں तो मुझे किसने बताना है मतलब अल्लाह का शुक्र है मैं एक फेस्टिवल फेस्टिवल्स मतलब लाहौर में मैं अक्सर कहता हूँ कि तीन सौ पैंसठ दिन है और तीन सौ छियासठ मेले हैं और इवेंट है मैं तो ये तो सारे मेरे अंदर थे फिर ऐसे इस मिल जाए फिर बुक्स घर में लाइब्रेरी आज तक पढ़ता हूँ एक लगाओ तो मेरा ख्याल है कि मुझे अवेयरनेस का वो वाला शायद प्रॉब्लम नहीं हुआ तो मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ मतलब तो मुझे खातून ने शिकायत करती ना अपने मियाँ के सामने एफी भाई मैंने आपसे बात करनी मैं है मैं कहो गुस्सा घट कर पहले ही बता तो वो कहती है कि आपको कैसे मैं एक मुल्क में था आपके हम खाना खा के बाहर निकले तो वो साहब आए अब खंबे के पास मैं ऐसे कर खड़ा हुआ और मैं उस मुल्क को देख रहा हूँ उसकी ट्रैफिक देख रहा हूँ बड़ा मजा आ रहा है मुझे ना तो वो खंबे के साथ जिस तरह फिल्म आ खड़ा था वो बंदा मेरा मेज़बान इधर आके खड़ा हो गया उसने मुझे कहा कि इफ्तार भाई मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूं मुझे कुछ तकलीफ से नहीं जाते लुआए मैंने उससे बे बगैर देखे उसको मैंने एक बड़ी अच्छी हैवी बाइक जा रही थी उसको देखते हुए मैंने कहा मेरे बेटा गुस्सा कटा दे अपने अंदर वो सामने आ गए खेरा आपको तो कैसे पता मैं गुस्सा करता हूँ लड़की वो आप क्यों पूछ रही रहे मैंने तो आपसे कोई सख्त बात नहीं की काका सख्त बात नहीं होती लहजे नहीं होते सख्त जुमले होते लफ्सों का चुनाव हाय हाय अल्लाह पाक दी कस्में तेरे तो पहले मैं गोली खावांगा सबसे पहले भाग जाऊंगा मैं मुझे हमें तो आप मुझे एक बात बताइए हमारी माँ जो हमसे मोहब्बत करती है सुबह रोटी पकाती है कपड़े धोती है क्या क्या नहीं करती और कि बारी तुम कि अल्लाह पाक दी कस्में तेरे और जेडी गोली आएगी मैं खावा नहीं यार आपके अमल आपके एक्शन बता रहे होते हैं ਆਪकी आंखें और आपके जुमले बता रहे होते हैं आप कितने मोहब्बत करने वाले और कितने गुस्से वाले हैं एक कुड़ी ने मेरे फोन किया वो एक्सपोज इज्जत खाब नु लेके गई सी गलत लत ते गिर चली गई उन्होंने मेनू किया के और बड़ी पोलाइट उसने डेढ़ घंटा बात सुने रोने लगे अब उसने इतनी पोलाइट گفتگو की के मेरा बापा हुन लबण डया है कि यार, के यार फॉल्ट किथे मुंडे च लगदा सारा फॉल्ट खीर दो जुमला बोलिया तो बस आखिरी बात आपको बता दूं मैंने तीन बार सुसाइड अटैप्ट और तीन बार बची उसने बात खत्म की कहती अब पता है मुझे मैं इस गाली दे के अब यूज करके खामिंद कर क्या करूं मैं कह बेटा गुस्सा करना छोड़ दे मेरे तो आपसे कोई बात नहीं कहा तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है मैं सवा घंटे तेरी गाल सुनी है तो मैं सोच रहे थे तेरा बंदा गलत है लेकिन गलत तू है कैसे मैं क्या सुड अटैम किसने की थी कहती मैंने तो मैं क्या कभी किसी ने खुशी में भी की है तसली के साथ चुप हो गई मैं तेरा तैश कहाँ पहुंच गया है तेरा गुस्सा किस पीक पे है उन्हें फोन करता तीन दिन के बाद से मुझे कॉल की कहती इफ्तार भाई आपको कैसे पता लगा मैंने कहा मैं तुझे बता दी बता तू तो आखिरी दर्जे का काम करने जा रही इससे ज्यादा क्या हो सकता हाँ कहती हल नहीं कहती इससे उसको क्या फर्क पड़ता है मेरे गुस्से से मैं कहता तुम्हें कहनी है तेरी जिंदगी मिलाती तेन बारो लगा के वीजा लगाता कहती इसलिए मेन इरीटेट करेगा तो मैं कहना है मैं कहनी बेटा तेन वही तो नहीं पता ना वो लफ्ज नेकी कर दरिया में डाल तो अगर आप लंडन में हैं ना तो नेकी कर वो जो क्या ए, मैं देखे नाम भूल गया लंडन का जो दरिया है ਨੇਕੀ ਕਰ ਜੇਲਮ ਮੇਂ ਡਾਲ ਨਾ ਜੇਲਮ ਆਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੀ ਅਬ ਕੀ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਭਾਵੀ ਮਗਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਰ 15 20 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਹੂੰ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੰਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵਾਈ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਸੀ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ ਜੋ ਮਰ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੋ ਨਾ ਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਰਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀਸ ਲਿਖਾ ਨਿਕਲ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੰਤਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਸ ਚਲੋਦੀਦੀ ਉਹ ਦਵਾ ਲੇਦੀਦੀ ਕੁਝ ਹਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਸ ਨੂੰ ਬਸ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾਂ ਨਾ 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 ਮਾਰ ਰਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਵਾਸ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਾ 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 ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਜੱਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ऑनलाइन ओन ना पूछो तो बेहतर है मैं कहता दस दौ जान दे। <laughs> जे जे दो गल माड़ी हुई कट दिया देखे जिस तरह से एक दिल में कुफर और अल्लाह की मोहब्बत नहीं रह सकती इसी तरह एक दिल के अंदर मोहब्बत और गुस्सा नहीं रह सकते गुस्सा एक फरी अमल है जब बिल्ली तकाजा है चवीली तक तो और भी है सोना खाना वाशरूम जाना बहुत सारे है ना उसमें से गुस्सा भी है उनमें इनमें एक फर्क है आप दो दिन भूखे रह सकते हैं चार दिन भूखे रह सकते अल्टीमेटली आपको खाना पड़ेगा दस दिन जाग ले एक दिन सोना पड़ेगा लिमिट है इन सब में गुस्सा वाह चीज है इसको आने से पहले कंट्रोल करना शुरू कर आज आपने तय कर लिया के मैं गुस्सा नहीं करना सुबह जैसे ही उठेंगे ना फिर ही ये पूरा ड्रामा दोबारा अपनी जात से करना पड़ेगा और अल्लाह से कहना पड़ेगा या यला तेरे बंदे बदे बदे इज्जत करेंगा ये ये एक ये, ये फनकारी है और आ, मेरे ऐसे शायद मैं डरपोक भी था कुछ शायद मुझे लगता है मैंने इसी माफी जानी किसी कि ने गाल कड़ी मैं क्या दो और कर लगा यार एवं अगो चंडा ना मार दे ना यार लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊँ मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ आपको आपको अंदाजा होगा कि अपनी जात को मारना कैसे है मैं ट्वेंटी ट्वेंटी में ना मार, आया मार्च में मैं आया यूके से यूके यात्रा पब्लिश करके पहले चिकट चोले लेकर गया ग्लासगो फिर उसके बाद यूके यात्रा वापस आया हूँ मैं तो तब तक मैं एक कमरे मेरा अब्बा जी का घर है चार का तो नीचे भाई भाभी और अम्मी अम्बा रहते हैं ऊपर मैं रहता हूँ ट्वेंटी तो ट्वेंटी में थोड़े से पैसे मुझे आए तो मैं ऊपर एक कमरा और बना रहा था वाशरूम और किचन ठीक है तो मैं एक जगह से एक ठेकेदार मैं ठेकेदार हूँ एक जगह पे मैं गया घर बन रहा था उन्हें कहा मैं ठेकेदार हूं मैं उसको ले आया इन शॉर्ट वो मेरे डेढ़ लाख रुपए लेके भाग गया दीवारें खड़ी करके दौड़ गया मैं उसी घर में पूछने के लिए गया कि यार वो बंदा यहां से मैं लेकर गया था तो उस बंदे को पता नहीं किया सूझी उसने उठा के मेरे हाथ से उठा के यहाँ ईट मारी मैं गिरा हूँ और उसके बाद उसने मुझे मारना शुरू कर अब मैं ट्वेंटी ट्वेंटी में बयालीस साल बवंजा साल का था तो मैं ताकत तो नहीं रखता ना यार और तो वो सताईस अट्ठाईस साल का जवान खैर किसी ने नहीं छुड़ाया हुआ खुद ही भाग भूख के कपड़े फट गए थोड़ा सा आगे गया और मुझे समझ आ गई इसको गलत फहमी हुई है मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया एक नया घर बन रहा था जिसमें कोई नहीं था फर्श डल रहे थे तो मैं देख रहा था कि यार ਕਿਉਂਕਿ ਇਹसे ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ کہیں ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ اچھا ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹਾ tha ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਪੀ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਤਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਪੀ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਕਹਾ ਮਨ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰਾ ਝਟ ਜਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੇਟਾ तेरा एस पी का रीडर व्डा है या मैं वा मैं सीधा तो वहाँ से निकला मैंने एस पी को कॉल किया है वो राशिद जो वो है मतलब एस एस पी है फैसला बाथी का मैं उसके बाद चला गया वैसे कपड़े बटे हुए उस मुझे पहचान गया तो हर भाई अभी आप यूके थे क्या मैंने कहा इस तरह होया उन्होंने मुत्तल कर था मैंने पोर्टल के ऊपर वजीर अजम के कंप्लेन जा, जा उसका तो वो मेरा दोस्त लगा हुआ था अभी जो आमिर जान कमिश्नर था मैंने उसको कहा उसने जो के रख दिया उसको अब उसको अंदर कराने के चक्कर में दाम है चार दिन के बाद सारे मोहल्लेदार और कुछ वकील कुछ लोग मेरे पास आ गए वो कहे इसको माफ कर दे मैं कहे नहीं माफ नहीं करना काकम है कहानी का क्या थी इल्लीगल जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो वो समझिया वो आ गया एलडी वाले गलतफहमी थी बेचारे को उसे उस चक्कर में मुझे क्योंकि इसका सीधा असूल पाकिस्तान पंजाब में ये है कि हल्डी वाले आए बल्दिया वाले आए कुट के दौड़ा दे दोबारा नहीं आंदे जो एक निज़ाम चला हुआ है उसकी बात मैं करूं। कर रहा हूँ मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा यार मैंने कहा बहन जेफर मैं कहा नहीं सर सॉरी मैंने चाय पिलाई और मैं पहली बार जिंदगी में अड़ गया कि इस बच्चे को मैं अंजाम तकर बचावा दसांगा क्योंकि इसने वर्दी की वजह से ऐसा किया मैं उसको सबक देना चाह रहा था जब जाने लगे तो एक वकील ने मुझे कहा फकार किताब मंगई सबको दी साइन कर गया, जब बैठ गए सारे गाड़ियों में एम बी ए भी आया हुआ था और कौंसलर जो भी तो वकील ने बैठते इस तरह पूछा उन्होंने कहा फकार भाई ऐसा मौजू की है कि लिखे है मैंने कहा यार ये मोहब्बत प्यार बर्दाश्त रवादारी पैदा करेगी इतना मैंने कहा है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮaaf ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਜੋ ਬਲ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮaaf ਕੀਤਾ ਗੈਰ ਬਸ਼ਰੂਤ ਮaaf ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਈਏ ਮaaf ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਮaaf ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮaaf ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲੇਖ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮaaf ਕਰਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ सज्जन बेली बेरो प्रेड बेरो ओ मैं का सर माफ करता खुद आदा वास्ता है बस यार मेरे को तो गलती गई अब आप सोचे कि आपको किस हद तक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है कि काका जे तू माफ नहीं कर रहा तेरे लिखिया माफ करेगा किसी एक आग का दरिया है और डूब के जा रहा है बड़ा आपने बड़ा काम किया माफ करके आप अक्सर अपने गुरबत

10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਗਮ ਨੂੰ AC ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ACਆਂ ਚੁਆਈ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁਆਈ ਸੀ ਤੇ ਯਮਾ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 64000 ਰੁਪਏ ਦਾ AC ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖੇਲੇ ਦੇ ਸਾਥ ਉਸ ਵੇਲੇ 18-20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ achi ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਦੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੋ ਕਮੇਡੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਵੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਯਾਰ ਇਹ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਪਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਰਹਾ ਹੈ ਅਲੀ ਕੋ ਯਾਰ ਅਲੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾ ਲੈ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਹੋਸਲੇ ਵੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂ ਨਾ ਮਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੈੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਥੜਿਆ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜੋਗਤੀ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗੰਦਾਣ ਜਨ ਚੌਕ ਆਪਦੇ ਆਏ ਗੰਦਾਣ ਜਨ ਚੌਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਘਟ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਬ ਆਪ ਆਏ ਥੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀ ਫੀਲਡ ਮੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤਾਂ उस वक्त अदाकारी कैसी थी और आज जदीद जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद बच्चे बच्चिया अदाकारी कैसी अदाकारी वही है सिर्फ टेक्निक बदल गई अच्छे कैमरे आ गए अच्छे लेंस आ गए महंगे तरीन एडिटिंग के सॉफ्टवेयर नए आ गए अदाकारी तो वही है जो यूनान में लोग किया करते थे वही आज तक वही तीन असूल हैं एक्टिंग के हैं क्या वो तीन असूल Uh, देखिए आपने अगर मुगल आजम देखी हो उसमें एक रोल है अकबर आजम का जी अकबर आजम वो कहता है कि तुम अकबर की बे रौनक जिंदगी में खुदा की रहमतों का पैगाम लेकर आई हो <laughs> आपकी आवाज तो नहीं अंदर ये लो ये अंगूठी बतौर निशानी अपने पास रखो इंसाफ के इस मुकदस तराजों की कसम अकबर से जिंदगी में एक बार चो बांधोगी अता किया जाएगा रिवायती थिएटर जिन्ना दे दी उन। डोली नहीं डक रवायती थिएटर दूसरा थिएटर मैलो बाहर इसको भेजा मेरी आंखों के सामने से कि इसको मेरी नजर ना लग जाए वो कर वो जो जोधाबाई जहांगीर की मां मैलो थिएटर तीसरा थिएटर मॉडर्न थिएटर जो आज कराची में राइज है जहांगीर hmm. सबर वो करेंगे जिसकी दुनिया लूट ली गई और सबर वो ना करेंगे जिनके सिर्फ शौके बादशाही को ठीक पहुंची है तीन थिएटर ने और यही तीन लिखने के अंदाज हैं राइटर लिखेगा एक्टर परफॉर्म करेगा डायरेक्टर उसको डायरेक्शन देगा yeah. वही तीन है आज तक एक्टिंग तो नहीं बदली टेक्निक क्या बदली है नए लेंस अस्सी अस्सी लाख रुपए का लेंस सवा सवा करोड़ लेंस बंदा तो वही है। देखिए मैं आपको आज बताऊं आदम इस्लाम के दौर में इंसानों की जो प्रॉब्लम थी आज चांद से आगे भी चले जाए उस बंदे को भी बेजती बुरी लगती थी इस बंदे को भी बेजती बुरी लगती है उस बंदे को भी इब्तदाई बंदे को तारी तारीफ अच्छी लगती थी हाँ इस बंदे को भी इंतहाई बैठे हैं ना हम जी हाँ। हम तो दुनिया के आखिरी किनारे बैठे हैं जो वक्त गुजर रहे तरक्की का इससे बेहतर दौर तो आना ही नहीं है जो हम देख रहे हैं जी हमारे बाद वाले देख सकेंगे लेकिन आज तक की दुनिया की तरफ अब वापस आ रही है ना नहीं तरक्की तरक्की की साइंसी तरक्की चलती रही मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका ये जो आपके साथ मैंने लम्हात को कैद किया है ये ना सिर्फ लोग देखेंगे बल्कि मैं भी इनको देख कर खुश होगा कि आपसे मेरी मुलाकात हुई आपने मुझे वक्त दिया आपने मुझसे ज़िंदगी की बातें शेयर की और इस पूरी पॉडकास्ट का अगर मैं एक निचोड़ लूँगा वो मदीने में लोगों का आपसे कहना कि आपने अच्छा काम किया किसी ने यह नहीं कहा क्योंकि मैं अगले महीने दोबारा जाना है तो इसने मुझे हिलाया अल्लाह करीम आपको जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं इस पे चलाई रखें हम भी आपसे सीखते हैं आपको देखते हैं पसंद करते हैं आप ऐसी ऐसी ज्यारात पे जब मैंने आपको कमेंट किया था तो आप आज अवैस करनी रज़ा ला तुम के रोज़े पे थे उस वक्त तो उस वक्त मैंने आपको कमेंट किया था पता नहीं लोगों की क्या क्या दुआएं आपको लगती हैं जिनको आप ये दीदार करवा देते हैं मालूम दे देते हैं कहानी सुना देते हैं आप एक बहुत मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं मुझे बड़ा फ़ख्र है मैं बड़ा मशकून मैंने आपके साथ ये वक्त गुजारा और ये ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई आपका बहुत शुक्रिया आसिफ अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आपने बड़ी मेहरबानी की है उस पर स्टैम्प किया इस बात को मेरी उस फिक्र को कि आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं अल्लाह ताला तो आपको जजा दे और मैं तो स्टार्ट में कह दिया था कि जब मुझे पता लगा आसफ आया मैं क्या मैं जाना यार तो बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह आपको आपके प्यारों को सलामत रखे मैं मुझे नहीं पता कितना जीऊँगा लेकिन आप यंग है आपने सौ साल जीना है जो अच्छी बात करने वाले हैं ना जो सॉफ्ट बात करने वाले हैं इनको हमेशा सर पे बिठाइएगा हमारी सोसाइटी में बड़ी ज़रूरत है जो अच्छा बोलने वालों की सॉफ्ट बोलने वालों इंशाल्लाह सलामत रहे